हेलो एवरीवन, तो वापस से सबका वेलकम है। तो हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने ग्रुप टू एलिमेंट्स जो हैं उनकी जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी कर ली थी। तो हमारे पास आज का टॉपिक है बेरिलियम। बेरिलियम हमारे पास ग्रुप टू एलिमेंट्स का फर्स्ट मेंबर है ना। तो फर्स्ट मेंबर है, और ये कौन से पीरियड में लाई करता है, तो ये हमारे पास सेकेंड पीरियड का मेंबर है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रुप टू एलिमेंट्स हैं वो शुरू कौन से पीरियड से होते हैं, सेकेंड पीरियड से शुरू होता है। हमें अच्छे से पता है कि जो सेकेंड पीरियड की एलिमेंट्स हैं ये कुछ ना कुछ अनामलस प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बेरिलियम की क्या अनामलस प्रॉपर्टीज हैं, क्यों उसकी स्टडी करना, एंड जो बेरिलियम है उसको डायगनल रिलेशनशिप भी फॉर्म करेगा किसके साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है यानी ग्रुप 13, तो उसके नेक्स्ट मेंबर जो है सेकंड मेंबर, उसके साथ हमारे पास इसके डायगोनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ग्रुप 13 का सेकंड मेंबर कौन है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के साथ इसकी क्या डायगोनल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं मेनली। क्लियर, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है कि बेरिलियम बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड, सॉरी सेकंड ग्रुप, तो इसकी कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज जो है जो कि बाकी के जो मेंबर है, बाकी के मेंबर हैं क्या वैसे ग्रुप टू के, सबको याद होगा मेरे अकॉर्डिंग अब तक। तो बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम एंड लास्ट बेरियम। तो ये हमारे पास जो मेंबर है इनसे कुछ हटके प्रॉपर्टीज शो करता है, कुछ इनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। वो क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं बेरिलियम की और क्यों। क्लियर, तो हमारे पास पूरे ग्रुप के अंदर देखा जाए, ग्रुप टू के अंदर, तो बेरिलियम जो है इसका क्या है, स्मॉलेस्ट साइज है अपने ग्रुप टू के अंदर, है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रही हूं मैं, स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने पर, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या होता चला जाता है, इंक्रीज इन साइज होता है ना। यानी उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बेरिलियम जो है हमारे पास इसका साइज क्या होगा, सबसे स्मॉल साइज होगा हमारे पास। तो पहला रीजन क्या है इसके एनामलस प्रॉपर्टीज का, कि इसका साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है। दूसरी चीज, अब स्मॉल साइज होने की वजह से जो हमारे पास चार्ज टू रेडियस का रेशियो है, रेडियस का रेशियो ये क्या होता है हमारे लिए, हाई होता है बेरिलियम में। क्लियर, यानी अगर मैं इसकी वैलेंस स्टेट की बात करूं तो हमारे पास बेरिलियम जो है इसके ऊपर भी टू पॉजिटिव का चार्ज, मैग्नीशियम पे भी टू पॉजिटिव का चार्ज, कैल्शियम पे भी टू पॉजिटिव का चार्ज, स्ट्रॉन्शियम पे भी टू पॉजिटिव का चार्ज एंड बेरियम पे भी टू पॉजिटिव का चार्ज, राइट। तो भाई बेरिलियम का साइज इतना छोटा सा, उसके ऊपर टू पॉजिटिव का चार्ज, एंड बेरियम का हमें अगर मैं कंपेयर करूं तो उसका साइज इतना बड़ा सा और उसके ऊपर टू पॉजिटिव का चार्ज। कॉमन सेंस हमारी लग रही होगी कि भाई इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑफ कोर्स ये बात है, बेरिलियम का साइज छोटा है जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी मेरे पास। क्लियर, तो इसीलिए चार्ज टू रेडियस का जो रेशियो होता है वो भी हमारे पास बेरिलियम में क्या है, हाई है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमारे पास बेरिलियम जो है वो कुछ अलग से प्रॉपर्टी शो करता है जो कि हमारे पास बाकी के मेंबर शो नहीं करते। अब अगर हमें ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर है तो वहां से हम बाकी प्रॉपर्टीज का भी रिलेशन निकाल सकते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी हम किसकी वजह से बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, राइट। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज। यानी हमारे पास बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाईएस्ट है अपने ग्रुप के अंदर, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। तो इन दो रीजंस की वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि भाई बेरिलियम के पास आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है जिसकी वजह से बेरिलियम जो है वो बाकी के जो मेंबर हैं हमारे पास ग्रुप टू के उनके कंपैरिजन में कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, देन हमारे पास सबसे पहली बात करते हैं कि भाई क्या अलग सी प्रॉपर्टीज हैं जो बेरिलियम शो कर रहा है हमारे पास। तो सबसे पहली चीज कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के कारण हमारे पास, एंड प्लस स्मॉलर साइज होने के कारण, स्मॉल साइज होने के कारण, इन दो रीजंस की वजह से हमारे पास जो बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं
कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम वो दो तरीके के होते हैं हमारे पास. पहला कि वो हाईली कोवलेंट इन नेचर होंगे जस्ट लाइक लिथियम, है ना. बाकी के मेंबर्स जो होंगे उनके कंपाउंड्स जनरली हाईली आयनिक इन नेचर होंगे, बट बेरिलियम के कंपाउंड हाईली कोवलेंट इन नेचर होंगे. एंड दूसरे हमारे पास कि ये कंपाउंड जो होते हैं वो इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो हाइड्रेशन की टेंडेंसी होती है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज. तो इसीलिए बेरिलियम कंपाउंड्स इजिली हाइड्रोलाइज भी हो जाते हैं एंड ये हाईली कोवलेंट का भी नेचर है क्योंकि इसका स्मॉलर साइज है, हायर चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई हो जाती है, राइट. तो हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी आ गई. देन दूसरी अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है ये हमारे पास कभी भी मोर देन फोर, ये वैसे हम जितने भी आगे ग्रुप पढ़ेंगे उन सब के अंदर भी हम पढ़ लेंगे कि मोर देन फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं करता, डू नॉट शो, है ना. यानी बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4, इससे ज्यादा कोवेलेंसी ये नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट हैज ओनली 4 ऑर्बिटल्स, ओनली 4 ऑर्बिटल्स. तो अगर हमें बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन याद है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 एंड 2s2. अब भाई अगर मेरे पास 2s है यानी n की वैल्यू अगर 2 है तो यानी l की वैल्यू क्या क्या होंगी इसके लिए, 0 एंड 1. अब अगर 0 है यानी s ऑर्बिटल प्रेजेंट है और अगर 1 है यानी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो मेरे पास 2s के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, एंड 2p के पास कितने होते हैं हमारे पास, 3. तो यानी टोटल कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं बेरिलियम के पास, ओनली 4 ऑर्बिटल्स. तो इसीलिए बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी होती है, सिर्फ 4 होती है. बट बाकी किसी भी मेंबर की बात करें अगर हम ग्रुप 2 के, जस्ट लाइक मैग्नीशियम, सपोज मैं मैग्नीशियम की बात करती हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, यानी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, राइट. अब 3s2 अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है तो 3sn की वैल्यू हमारे पास 3 है, यानी उसके लिए 3s ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल है एंड 3d ऑर्बिटल है. तो 3s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स, 1, 3p में कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 3, एंड 3d में कितने होते हैं हमारे पास, 5, राइट. तो हमारे पास यहाँ पर मोर देन 4 कोवेलेंसी हो सकती है बाकी एलिमेंट्स की. तो इसी रीजन की वजह से जो बाकी के मेंबर्स हैं हमारे पास उनके कोवेलेंसी हमारे पास मैक्सिमम 6 तक चली जाती है, राइट. बट क्यों 6 तक जाएगी, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है. बट बेरिलियम के पास क्या है, बट बेरिलियम डी ऑर्बिटल एबसेंट है, डी ऑर्बिटल इज एबसेंट. तो इसीलिए उसकी कोवेलेंसी ओनली 4 तक रहती है. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है. ओके, देन हम आते हैं थर्ड एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम. तो हमने बेरिलियम के पीछे बेरिलियम के ऑक्साइड भी बनाए, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड भी बनाए, है ना. तो ये दोनों ही हमने देखा था कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर जो मेटल के ऑक्साइड हैं उनकी बेसिसिटी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है. लेकिन हमारे पास बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर. बट बाकी जितने भी मेंबर है हमारे पास वो सारे के सारे तो एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं है. तो क्यों हमारे पास एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो ये हमारे पास एल्युमिनियम के साथ अपने डायगोनल प्रॉपर्टी शो करता है. तो जस्ट लाइक एल्युमिनियम, बेरिलियम के भी हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर होती है, यानी ये एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ दोनों के साथ ही रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने, राइट. तो इसलिए हमारे पास इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. तो ये थे हमारे पास बेरिलियम की कुछ एनामलस प्रॉपर्टीज. अब हम बात करते हैं बेरिलियम की डायगोनल प्रॉपर्टीज के बारे में.
तो डायगोनल रिलेशनशिप हमने उस मैंने जब लिथियम की बताए थे तभी भी मैंने बताया था लास्ट टाइम, और अभी भी बता रही हूँ कि डायगोनल जस्ट लाइक हमारे पास मैथ के अंदर जो डायगोनल होते हैं, यानी एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ यूं जो मिलाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। अब मैथ वालों को कुछ ज्यादा ही अच्छे से क्लियर होता होगा डायगोनल क्या होता है, हमें उससे मतलब नहीं है ज्यादा, बट हम यहाँ पर पता बेसिकली कि भाई इस तरह से जो लाइन होती है हमारे पास, ये स्क्वायर का मैं बता रही हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो उसी तरीके से हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप टू, अभी हम ग्रुप टू पढ़ रहे हैं इसीलिए ग्रुप टू एंड ग्रुप 13, तो ग्रुप टू का पहला मेंबर क्या है, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, चलते जाएंगे हमारे पास यहीं डाउन द ग्रुप, एंड ग्रुप 13 का पहला मेंबर क्या है, बोरॉन, उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम, यानी बेरिलियम का डायगोनली कौन प्रेजेंट है, एल्युमिनियम प्रेजेंट है, यानी बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एल्युमिनियम से भी मैच करती हैं। अब ना यार यहाँ पर कोई बोल सकता है कि ग्रुप टू, तो जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल हमें बड़े अच्छे से पता है, और अब तो पीरियोडिक टेबल एक तरह से दिमाग में होनी चाहिए कि भाई किस तरह से अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल की, राइट। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है, ये ऊपर ग्रुप 18 का मेंबर, ग्रुप 2 का मेंबर, अब यहाँ पर ना ग्रुप थर्ड होता है ना, जिसका पहला मेंबर क्या है, स्कैंडियम, और यहाँ पर है मेरे पास बेरिलियम, यहाँ पर है बोरॉन, एंड यहाँ पर है एल्युमिनियम। अब मेरे से कोई ये बोल सकते कि यार बेरिलियम का तो डायगोनली स्कैंडियम प्रेजेंट हुआ, तो बेरिलियम के एल्युमिनियम के साथ हम क्यों डायगोनल रिलेशनशिप देखते। तो यार जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप सबने ये चीज पढ़ी होगी कि जो मेरे पास एस ब्लॉक और जो मेरे पास पी ब्लॉक, तो एस एंड पी ब्लॉक के मेंबर जो होते हैं इनको हम बोलते हैं मेन एलिमेंट्स, है ना, एंड जो हमारे पास ये बीच वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं पूरे के पूरे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो एस एंड पी, जो एस ब्लॉक है वो भी मेन है और पी ब्लॉक जो है वो भी मेन है, तो भाई हम मेन से मेन को ही कंपेयर करेंगे ना, और यही डायगोनली हमारे पास प्रेजेंट होंगे। और दूसरी चीज कि जब पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा तो ये हमारे पास ना फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फिर सॉरी फर्स्ट ए फर्स्ट बी मैंने गलत लिख दिया, ये हमारे पास फर्स्ट ए, तो दूसरा वाला जो हमारे पास ग्रुप होगा वो हमारे पास सेकेंड ए, देन ये 13 जो है इसी को हम बोलते हैं थर्ड ए, यानी इस तरह से ये ए ग्रुप वाले मेंबर हो गए, और जो बीच में डी ब्लॉक वाले होते हैं ये हमारे पास बी फॉर्म वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, मेंडलीव से हमने इनको अलग अलग कर रखा है, तो इसीलिए हम ए टू ए ही चलते हैं, बी वालों को इंक्लूड नहीं करते वहां पर। तो इसीलिए बेरिलियम का जब भी पूछे बेरिलियम के डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होते हैं, तो भाई वो एल्युमिनियम के साथ करता है, नॉट स्कैंडियम के साथ, राइट ओके। तो हम चलते हैं कि भाई डायगोनली रिलेशनशिप के अंदर ऐसा क्या होता है, तो बेरिलियम एंड एल्युमिनियम इन दोनों का सिमिलर रेडियाई होता है हमारे पास, सिमिलर एटॉमिक भी एंड आयनिक भी, तो सिमिलर रेडियाई की वजह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास वो क्या हो जाती है, इनकी सेम हो जाती है। यानी अगर हम सबसे पहली बात करें तो मेरे पास चार्ज टू रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इनके लिए, है ना। अब भाई डिट्टो सेम नहीं होता, अब मैं पहले भी तो सिमिलर बोला है मैंने, सिमिलर का मतलब कहीं पर भी ये नहीं होता कि मेरे पास एग्जैक्टली वैल्यू सेम होगी, तो नियरली सेम होती है, अप्रोच करते हैं दोनों की वैल्यूज, राइट। तो हमारे पास इस रीजन की वजह से बेरिलियम जो है एल्युमिनियम को उसी कुछ प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम एंड बेरिलियम दोनों ही एसिड्स के थ्रू अटैक नहीं होते, एसिड्स डू नॉट अटैक देम। हमने बेरिलियम में तो प्रॉपर्टी पढ़ ही ली थी कि भाई बेरिलियम डायरेक्टली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यों, तो इनके पास ऑक्साइड फिल्म होती है, ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर मेटालिक सरफेस। तो इस ऑक्साइड फिल्म की जो लेयर होती है हमारे पास मेटालिक सरफेस के ऊपर, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है इनके लिए, जिसकी वजह से एल्युमिनियम और बेरिलियम दोनों ही रिएक्शन नहीं कर पाते हमारे पास
एसेट के साथ। देन दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि भाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर मैं इसको एक्सेस ऑफ एल्कली के साथ रिएक्शन करूं, एक्सेस ऑफ एल्कली में मैं डालूंगी, तो बेरिलियम क्या बनाता था? बेरिलेट आयन बनाता था, है ना। और सिमिलरली अगर मैंने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी एक्सेस ऑफ एल्कली के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगी तो एल्युमिनियम भी क्या बनाएगा? एल्यूमिनेट आयन बनाता है हमारे पास, राइट। तो ये क्या हो गया? एल्यूमिनेट आयन, और ये क्या हो गया मेरे पास? बेरिलेट आयन। तो ये रिएक्शन दोनों के एक जैसे ही है हमारे पास। देन तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी डायगोनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अभी जो मैंने वैसे बताया ना कि बेरिलेट आयन और डायगोनल रिलेशन है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड दोनों के दोनों कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ओके ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड भी हमने देखा एंड एल्युमिनियम क्लोराइड भी हमने देखा, नहीं ग्रुप 13 जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये दोनों ही के जो हमारे पास हैलाइड होते हैं, जनरली कौन? क्लोराइड। तो वो हमेशा ही कैसे नेचर में होते हैं? मतलब क्लोराइड ब्रिज फॉर्म करते हैं, क्लोराइड ब्रिज फॉर्म करते हैं, यानी इन सॉलिड हमने बेरिलियम में देखा था, सॉलिड में कैसे थे? वो पॉलीमराइज्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट थे, है ना। देन इन वेपर स्टेट हमारे पास वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो ये किसकी वजह से? क्लोराइड ब्रिज की वजह से। तो ये क्लोराइड ब्रिज हमें एल्युमिनियम क्लोराइड में भी देखने को मिलता है और बेरिलियम क्लोराइड में तो हमने देखा ही था। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम दोनों के पास ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं ये हमारे पास। जस्ट लाइक बेरिलियम तो BeF2 नेगेटिव एंड एल्युमिनियम भी तो AlF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन कर लेते हैं ये हमारे पास। और ये हमारे पास दूसरे अगर मैं बात करूं तो लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, किसी तरह बिहेव करते हैं, बिहेव एज लुइस एसिड। लुइस एसिड क्या होते थे? वो एसिड जो कि विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो भाई हमारे पास ना तो बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों के पास ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसके अंदर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए लुइस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जब हम ऑर्गेनिक में जाएंगे तो हम ऑर्गेनिक में देखेंगे कि हमारे पास एक रिएक्शन होता है, नेक्स्ट पेज पर मैं लिखती हूँ, हमारे पास एक नेम रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट है हमारे पास, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एंड दूसरा रिएक्शन है हमारे पास असाइलेशन। इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर हमें चाहिए कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन कौन सा है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसीलिए इन कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट। तो इसीलिए जो हमारे पास इनके हैलाइड होते हैं जनरली वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास? लुइस एसिड होते हैं। ओके गुड, तो ये थे हमारे पास डायगोनल प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम। यहाँ पर फाइनली हमारे पास बेरिलियम यानी ग्रुप 2 की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट अब हमारे पास आता है कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हम जनरली किसके बारे में बात करते हैं? कैल्शियम के कंपाउंड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रुप 2 में, है ना, क्योंकि हम जनरली उसको बहुत डे टू डे लाइफ में यूज करते रहते हैं। एंड ग्रुप 1 में अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास सोडियम। बट ये दोनों ही जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, वो टॉपिक CBSE के सिलेबस से तो रिमूव हो चुका है। बट अगर हम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में देखें, जस्ट लाइक नीट देखें या फिर JEE देखें, तो उनके अंदर ये टॉपिक्स अभी भी इंक्लूडेड है।
तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं बात करती हूँ बायोलॉजिकल यूजेस, बायोलॉजिकल यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर ग्रुप टू एंड ग्रुप वन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे हम, कि भाई क्या क्या इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है या फिर यूजेस है। तो जो इनका डेली अलाउंस है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की, कितनी रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बेसिकली कहाँ यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज हमें याद रखनी है। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो एज अ को एंजाइम, को फैक्टर होता है हमारे पास। तो को एंजाइम एक्ट करता है कौन से रिएक्शन में, तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में, यानी जिसमें रिएक्शन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है, यानी एटीपी रिलेटेड जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, उन रिएक्शंस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है एज अ को एंजाइम, यानी एज अ को फैक्टर। तो वहां पर हमारे पास मैग्नीशियम की इंपॉर्टेंस है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि मैग्नीशियम के दूसरे इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, तो ये इंपॉर्टेंस तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग सबको पता होगी कि हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम। यही मैग्नीशियम हमारे पास चार चार नाइट्रोजन एटम से कोवेलेंटली, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट लिंकेज के थ्रू अटैच हो रखा होता है हमारे पास, है ना। तो यानी जो सेंट्रल एटम है हमारे पास वो क्या है, मैग्नीशियम, किसका, क्लोरोफिल का। एंड क्लोरोफिल का यूज तो भाई मेरे अकॉर्डिंग हर किसी को पता होता है, किसके अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको ट्रैप करता है ये मॉलिक्यूल, राइट। तो ये हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंस है मैग्नीशियम की। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैल्शियम, कैल्शियम भाई हम सबको पता है कि हमारे बोन्स हो गए, हमारे टिथ हो गए, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, कैल्शियम से। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उसका मोस्ट ऑफ द परसेंटेज, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो भाई 99% जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बोन्स है, टिथ की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता होगा ये कि जो न्यूरो मस्कुलर फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, न्यूरो मस्कुलर फंक्शनिंग, ये भी किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से। तो अगर हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाए, यानी अगर मेरे पास कैल्शियम की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, तो उसकी वजह से क्या होने लग जाता था, टिटैनी हो जाती थी हमारे पास, क्लियर इतनी चीज। तो ये हमारे पास कैल्शियम की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारे पास जो वो होते हैं इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन होते हैं, इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन, उसके अंदर अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम और कौन इंपॉर्टेंट आयन है हमारे पास, कैल्शियम। देन जो हमारे पास ब्लड कोगुलेशन है, ब्लड कोगुलेशन, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट उसके अंदर एक फैक्टर हमारे लिए और कौन है, कैल्शियम। ये प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्जन में हेल्प करता है हमारे पास। देन सेल मेम्ब्रेन जो है इनकी इंटेग्रिटी भी कौन मेंटेन करके रखता है, सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, ये भी हमारे पास इसकी मेंटेनेंस में कौन हेल्प करता है, कैल्शियम। तो हमारे पास कैल्शियम जो है इसका वैसे डिटेल्ड पॉइंट जो है वो तो बायो में पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो हम पढ़ते हैं कि भाई कैल्शियम जो है इसका बॉडी के अंदर बैलेंस, बॉडी में इसका बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है, टू हॉर्मोन्स है हमारे पास, टू हॉर्मोन्स कौन कौन से, पहला है पीटीएच, पीटीएच मीन्स पैरा थायराइड हार्मोन, एंड दूसरा है हमारे पास कैल्सिटोनिन, एंड एक विटामिन भी है हमारे पास इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, दैट इज विटामिन डी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है कैल्शियम की, क्लियर। मैंने पहले बता दी कि भाई इनकी अलाउंस इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास, ये कितना डेली रिक्वायरमेंट होना चाहिए हमारे पास, कितना नहीं होना चाहिए। बाकी अब हम चलते हैं फिर ग्रुप वन एलिमेंट्स जो है उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं वापस, सोडियम एंड पोटेशियम आयन। तो सोडियम आयन हमारे पास जो ईसीएफ है, ईसीएफ मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर सोडियम मोर अबंडेंट होता है, मोर
अबंडेंट, क्लियर इन ईसीएफ। तो यानी हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब इनका रोल क्या है, तो पहला रोल है हमारे पास ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोनल सिग्नल्स, न्यूरोनल सिग्नल्स। दूसरा है हमारे पास कि वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल रेगुलेट। तीसरा है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, जब हमने डाइजेशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स लाइक ग्लूकोज क्रोज एक्सेट्रा, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स या इंटेस्टाइनल ल्यूमन टू ब्लड, ये सब जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके अंदर। देन इसके अलावा हमारे पास बाकी के कुछ ट्रांसपोर्ट मकानिज्म होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें ट्रांसपोर्ट मकानिजम्स। एंड लास्ट है हमारे पास एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम के। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम आयन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये हमारे पास अबंडेंट होता है सेल फ्लूइड के अंदर, अबंडेंट इन सेल फ्लूइड्स। ईसीएफ में नहीं होता ज्यादा अमाउंट में, सेल फ्लूइड के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है हमारे पास। देन अगेन जस्ट लाइक सोडियम, इसका भी पहला हमारे पास एक काम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। दूसरा हमारे पास जैसे सोडियम हेल्प कर रहा था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, उसी तरीके से ये भी हमारे पास हेल्प करता है सोडियम के साथ मिलकर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। तीसरा हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये ग्लूकोज से जब हमें एटीपी प्रोडक्शन करनी होती है, एटीपी प्रोडक्शन, तो इसके अंदर जो एंजाइम्स है तो उसके अंदर उन मतलब इस प्रोसेस की ऑक्सीडेशन के अंदर पोटेशियम हेल्प करता है हमारे पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल थे हमारे पास पोटेशियम के। तो जो अभी मैंने बताया बेसिकली कि भाई सेल फ्लूइड के अंदर अबंडेंट होता है और वो ईसीएफ के अंदर अबंडेंट होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल के अंदर हेल्प करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम पोटेशियम का। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की खास बात क्या होती है हमारे पास कि सपोज ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, इधर की साइड ईसीएफ है और ये सेल फ्लूइड है, सेल फ्लूइड्स जिसके अंदर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इधर की साइड सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम पंप इसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर जो भी हमारे पास सोडियम आयन अंदर प्रेजेंट होंगे उनको बाइंड करेगा, और इधर जो पोटेशियम आयन प्रेजेंट होंगे उनको बाइंड करेगा, एंड देन ये रिवर्स घूमते हैं। तो यानी मैं बोल सकती हूँ कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो थ्री सोडियम आउटवर्ड पंप करता है, आउटवर्ड, एंड टू पोटेशियम इनवर्ड पंप करता है। क्लियर इतनी चीज, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसको हमें याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं क्लास को, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम। थैंक यू, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।